Good evening, everyone. Sports Authority of India, NARC in Pal, और वुशु एसोसिएशन ऑफ इंडिया के तरफ से आप सभी को स्वागत करता हूं. टुडे वी हैव वेरी वेरी स्पेशल ट्रेनिंग सेशन व्हिच विल बी कंडक्टेड बाय मिस पूजा कादियान, वुशु वर्ल्ड चैंपियन एंड अर्जुन अवार्डी, वन ऑफ द वेरी मच इंपॉर्टेंट वुशु एथलेट ऑफ इंडिया. एंड प्रेजेंटली शी इज नाउ serving as a wushu coach at Sai and COE Itanagar, Arunachal Pradesh. Today, Ms. Pooja Kadian will conducting the class from Arunachal Pradesh. Itanagar se class host karenge. Aap sabhi ko swagat karta hoon. Sabse pehle Sai NARC Imphal ke maniya director श्री फ्रांसिस मार्विन जी, वेलकम सर. एंड ऑल द डिग्निटरीज फ्रॉम वुशु एसोसिएशन ऑफ इंडिया आल्सो वेलकम इन द सेशन. एंड आई आल्सो वेलकम ऑल द विदा प्लेयर्स, देयर कोचेस एंड रेस्पेक्टेड स्टेट सेक्रेटरीज फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री. ऑल आर वेलकम इन द सेशन. एंड आई आल्सो वेलकम श्री गुणाधर मंडल जी, High Performance Manager from Sports Authority of India. And last but not the least, I would like to welcome our respected chief coach, Shri Kuldeep Handuji, who is the Program Director of the E-Pathshala Online Wushu Training Program. Welcome, sir. Aur sabhi darshakon se anurodh hai, thoda ye जो ऑन गोइंग वीक में हमारा पार्टिसिपेंट्स जो प्रतिभागी है उसका नंबर कई स्कूलों में ऑनलाइन क्लासेस होने की वजह से थोड़ा सा कम हुआ है, फिर भी कोशिश करते हैं ताकि जो सुई पाठशाला का जो ट्रेनिंग सेशन है इसमें मैक्सिमम खिलाड़ी लोग भाग ले सके. तो प्लीज इन्फॉर्म all your friends and dear ones to attend the online E-Pathshala school training program. This is training by all the renowned coaches and renowned elite athletes of India. And it will be very benefited टू ऑल द विला प्लेयर्स. चलो साथियों, चार बजने के साथ साथ में पूजा कादियान जी जो वुशु वर्ल्ड चैंपियन और अर्जुन अवार्डी है ईटानगर से लिफ्ट, आप सभी को क्लास लेंगे. वेलकम पूजा, वेलकम टू द सेशन. थैंक यू सो मच. मैं थैंक यू करना चाहूंगी, धन्यवाद करना चाहूंगी अपने आरसी इम्फाल सर का और हमारे रिस्पेक्टेड कुलदीप हांडू सर का और हमारे सोहेल सर, बाजवा सर, इन सब के लिए हाथ जोड़ के धन्यवाद. अच्छा, फिर आज फिर से स्टार्ट करने जाएंगे हम ट्रेनिंग. और कल 15 अगस्त है, उसके लिए बहुत बहुत बधाई भाई सबको एडवांस. और बस इतना ही बोलूंगी कि अब अपना जो सीजन चल रहा है ये ऑनलाइन ई पाठशाला बहुत ही अच्छा चल रहा है और इसमें काफी बच्चे फिट भी हुए हैं. काफी के फोन भी आते हैं मेरे पास कि अच्छा रिस्पांस है, अच्छा बहुत अच्छा सीखने के लिए मिलता है. जैसे कि सीनियर प्लेयर है हमारे जो क्लास लेते हैं, तावलू प्लेयर भी हैं, शांशु प्लेयर भी हैं और सबसे ज्यादा हमारे मेहनत कर रहे हैं हमारे कोच प्रेम सर और बाकी सब हमारे जितने भी हैं सब बहुत अच्छा कर रहे हैं वर्कआउट. तो हमें सबको भी इस चीज पे भी ध्यान देना चाहिए कि जब हमारे बड़े कर रहे हैं तो हम तो उनसे छोटे हैं, तो हमें जरूर करना चाहिए. तो वक्त जाया ना करके हम अब वार्म अप पे करेंगे, वार्म अप स्टार्ट करेंगे. ठीक है, चलो स्टैंड अप ऑल ऑफ. अब हम वार्म अप स्टार्ट करेंगे जंप से. ठीक है, क्योंकि अभी कूलिंग डाउन पे ही है, बैठे हुए थे तो जंप से स्टार्ट करेंगे जिससे हमारी बॉडी वार्म अप हो जाए. चलो
स्टार्ट जंप जंप करते रहो साइड चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस ठीक है। अब हम राइट लेग अप डाउन ठीक है चलो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन लेफ्ट साइड वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन सभी करो ठीक है। चलो फिर से जंप 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 सेम टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी वेरी गुड 20 रेपिटेशंस करने हैं ठीक है। चेंज अब खाली जंप करना है हमें जो शांसु पोजीशन होती है ना आगे पीछे साइड तो हमें आगे पीछे साइड चलो स्टार्ट साइड 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 आगे पीछे साइड 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 आगे पीछे साइड साइड आगे पीछे साइड 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 आगे पीछे साइड 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 आगे पीछे साइड साइड चेंज ठीक चेंज थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी चलो 20 करना है पूरा उससे पहले मत रुकना चलो जंप 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 हैंड रोटेट वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन बैक साइड वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन साइड वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन शोल्डर रोटेट वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन बैक साइड वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन नेग अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन साइड वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन रोटेशन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट
अब राइट साइड, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, हैंड बैक साइड, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, रोटेट, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, बैक साइड, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, साइड बेंडिंग, लेफ्ट साइड, वन राइट टू लेफ्ट थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, अब फ्रंट और बैक, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, चलो 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 चलो, चलो स्टार्ट करो, फ्रंट बैक वाला किया ये, फ्रंट बैक, चलो अब राइट नी अप होल्ड, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, बैक साइड, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, चेंज लेग, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, बैक, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, ओके रोटेट, हाफ फ्रंट, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, बैक, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, ओके अब साइड बेंड देखो कैसे करना है, चलो, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, होल्ड, चेंज लेग, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, साइड सेट, लेफ्ट साइड, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, चेंज, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, राइट लेग नी टच ग्राउंड एंड स्ट्रेच आगे की तरफ, देखो चलो, साइड चेंज, अप, अब हमें वार्म अप हो ही गए हैं, बस थोड़ा सा एक मिनट का शैडो करेंगे किक पंच, ठीक है सारे मिलके, उससे क्या होता है हमारा वार्म अप कंप्लीट हो जाएगा।
हम शैडो करेंगे अब एक बार। चलो शैडो स्टार्ट करते हैं ठीक पंच से, ठीक है जैसे करते हैं 1 2 जम के साथ, रुकेगा नहीं कोई भी, 1 मिनट है बस। चलो 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 अभी इसी के साथ 20 पुशअप्स। चलो दोनों 20 पुशअप्स करो, देखो पुशअप्स 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, गुड। अब इसी के साथ हम करेंगे हाफ स्क्वाट, 1, 20, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, गुड। एक सेट और मारेंगे पुशअप्स का और हाफ स्क्वाट का, ठीक है। चलो अगेन 20, स्टार्ट अगेन, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, गुड। हाफ स्क्वाट, वापस हाफ स्क्वाट पे आ जाइए। चलो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, गुड। ऑलमोस्ट वार्म अप हो गया होगा सबका। अभी दो मिनट का वाटर ब्रेक लेंगे, इसके बाद हम कुछ टेक्निक्स करेंगे, ठीक है। सब पानी पी लो, 1 मिनट का वाटर ब्रेक है, उसके बाद तुरंत आ जाओ। चलो वन
वाटर ब्रेक सबका एक मिनट का। चलो तुम लोग टाइमिंग देख कर रहे चलो भाई अब क्लास शुरू करते हैं। ऑलमोस्ट सबका पानी ड्रिंक हो गया है। तो आज हम करेंगे साइड किक का। और साइड किक पे क्या करना है, बहुत मोस्टली क्या होता है, पकड़ नहीं पाते। ये एक ऐसी किक है बहुत मुश्किल से पकड़ी जाती है, या तो छूट जाती है या फिर इसमें ग्रिप हो जाती है पार्टनर की। तो हम उसी पे करेंगे रामाना। देखो आज हम साइड किक का करेंगे, जैसे कि खेल रहे हैं, इतना डिस्टेंस रहता है हमारे पार्टनर्स के अंदर, ठीक है। हम पोजीशन पे हैं, साइड किक मारी, हमें क्या करना है, काटना है, बस थोड़ा सा पीछे जाना, जो स्टेप है ना यहीं खड़े हैं, मार ये, मार ये, बस इतना ये है, देखो कैसे करना है, मार ये साइड काटना है। उसके बाद में हमें जो फ्रंट लेग है उसी से हमें स्टेप आगे जाके ये किक मारनी है। चलो ये है, ये क्विक जल्दी फास्ट, देखो ये वेट नहीं करना आप लोगों को कि करना क्या है, ठीक है। आप लोगों को फास्ट करनी है ये किक। तो देखो फिर से देखो आगे, ये है ये, अरे यार फोन स्लिप हो रहा है। चलो अप्लाई करो, तुम दोनों करो। अब इन दोनों को देखो कैसे करते हैं, ध्यान से देखो। हाँ गुड, चलो आप लोग भी करो अब। चलो स्लो 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 करके दिखाओ। हाँ स्लो स्लो करके दिखाओ, वेरी गुड। चलो अब आप लोग करके दिखाओ भाई बच्चों, ये देखो कैसे कर रहे हैं। आगे ही फ्रंट वाले पैर से ही मारनी है। चलो गुड, चलो वेरी गुड प्रियंका, एनसीओई भोपाल, अच्छा कर रहे हो आप, गुड। हाँ थाई किक मारनी है बेटा, नीचे थाई किक काट के ना, थाई किक मारनी है, जैसे ही काटा थाई किक मारनी है। चलो अगेन तुम दोनों करते रहो, स्लो स्लो, इधर आ जाओ पास में आके दिखाओ। हाँ चलो गुड, चलो गुड, वेरी गुड, चलो चलो गुड,
ये कहाँ से है भाई साहब? गुड, कर्नाटक से, अच्छा कर रहे हैं। चलो बस क्या करना है, साइड किक काटनी है और एक स्टेप आगे जाके हमें किक मार देनी है फ्रंट लेग से ही। हाँ जी चलो चलो चलो, गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया कर रहे हैं आप। आदित्य एचपी, गुड। अब हम दूसरी टेक्निक करेंगे, बहुत अच्छा कर रहे हो आप लोग। अब हम इसी में, बहुत बार क्या होता है कि पंच वाले आ जाते हैं, पंच मारने वाले, क्या होता है हम उसमें जैसे पंच मारा, हम ये आ जाते हैं, पकड़ के खड़े हो जाते हैं, पकड़े रहते हैं, कुछ नहीं कर पाते, वहीं 3 सेकंड होल्ड पे आउट कर देते हैं। तो इसमें हमें करना क्या है, जैसे किसी ने पंच मारा, पहले तो हमारा ध्यान क्या होना चाहिए, पार्टनर पे होना चाहिए कि वो मारने वाला क्या है। बहुत बार क्या होता है, बॉक्सिंग वाले प्लेयर भी हमारा गेम खेलने के लिए आ जाते हैं और हम कंफ्यूज हो जाते हैं, वो पंच मारता रहता है रेगुलर लगातार, तो और हम क्या करते हैं, या तो ऐसे कर लेते हैं या पीछे हटते जाते हैं और आउट हो जाते हैं ग्राउंड से। तो हमें ऐसे ना करके हमें करना क्या है, जैसे पंच मारा ये है, करना क्या है देखो, साइड से जाना है, कहां से, साइड से, देखो ये एंट्री होगी हमारी। ये नहीं है कि आप फ्रंट चले जाओ और फेस पे खा लो, नहीं, ठीक है, जैसे साउथ पोल में खेल रहे हैं तो हमें इस साइड जाना है, ठीक है, मतलब इसे क्रॉस करना है इस साइड से। चलो ये आ गए, पीछे आ गए, ठीक है। इसमें हम या तो ये भी कर सकते हैं या फिर अगर हम में ताकत है तो हम उठा के ये भी डाल सकते हैं, ठीक है, बहुत है इसमें। और बैक में आ गए तो ये हाथ, हमारे दोनों हाथ खाली है, वो क्या करेगा, हमारे आगे से हाथ पकड़ेगा, पकड़ ये, ठीक है, एक हाथ खाली है हमारा, तो हमारा जो बॉडी वेट है इसको आगे की तरफ डालना है, ये है, ये खींचना है पीछे से लेग, ठीक है। दोबारा देख लो, स्लो स्लो बिल्कुल, ये खेल रहे हैं, ये आ गए पीछे, ठीक है। इसी में या तो ऊपर उठा लो या फिर नीचे, चलो अप्लाई करो, तुम दोनों भी स्लो स्लो करो, आ जाओ नीचे, झुक के जाना, चलो, हाँ वेरी गुड, हाँ अब ये गुड, यही देखा आप लोगों ने, चलो करके दिखाओ, अब नीचे झुक के जाना है, देखो साइड से झुक के पीछे, ऑटोमेटिकली आप पीछे चले जाओगे उसके पार्टनर के, जैसे ही झुकोगे पीछे चले जाओगे, पीछे जाने के बाद आप किक से अपना बॉडी वेट से उसे गिरा सकते हो हाथ से, देखो, चलो वेरी गुड, ब्लू शर्ट, अच्छा कर रहे हैं आप लड़की, बहुत बढ़िया, हाँ उठा भी सकते हैं और ग्रिप भी कर सकते हैं, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड हानिया, चलो महाराष्ट्र, चलो चलो चलो, अच्छा कर रहे हो आप, ग्रे टी शर्ट, पहले डीप करके जाना है नीचे से, हाँ जी नीचे से, चलो
डायरेक्ट नहीं जाना, नीचे से जाना, नहीं तो फेस पे पंच लग जाएगा। हाँ देखो, ध्यान से देखो ये दोनों क्या कर रहे हैं। चलो दोनों करके दिखाओ, ध्यान से डीप करके जाना है। सॉरी सॉरी सॉरी, चलो हाँ पीछे जाना, पीछे राहुल, पीछे डिप करके पीछे जाके फिर पकड़ना है पैर। चलो हाँ आगे वाला, उस साइड वाला पैर पकड़ना है। चलो ये दोनों भी मेरे स्टूडेंट हैं, नए हैं बिल्कुल, और देखो आप आपके जैसे ही हैं दोनों भी, और अभी अच्छी शुरुआत है इनकी भी। आज फर्स्ट टाइम ये मेरे साथ ग्राउंड पे आए हैं, तो चलो इनकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी। वेरी गुड, देखो करना क्या है, राम देखो ध्यान से देखो, ये है ये आके, ये ऑटोमेटिकली क्या होता है, हम यहाँ से आ ही जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद में हमें पकड़ना है, ये पकड़ लिया, हम क्या करते हैं इधर उधर करते रहते हैं, कोई फायदा नहीं है इसमें। ये आ गए, ये वाला पैर, ये हाथ और ये वाला पैर, राइट वाला पैर, लेफ्ट से तो पकड़ रखा है, ये हाथ राइट वाला पैर, नीचे से बिल्कुल जॉइंट पे से नीचे यहां से खींचना है, और बॉडी वेट आगे डाल देना है, सिर्फ इतना ही है इसमें, ठीक है। अब हम नेक्स्ट में चलते हैं, ये थोड़ा आप लोगों के लिए डिफिकल्ट हो गई है तो हम नॉर्मल वाली बताते हैं कि नॉर्मली बहुत सारे लोग कहाँ फोल्ड करते हैं, मतलब क्या होता है, किक मारते हैं, किक, ये थाई किक मारते हैं, और हम क्या करते हैं यहाँ से पकड़ लेते हैं ये काप पे से, और रिजल्ट क्या होता है, छुड़वा छुड़ जाती है, ऐसे करते हैं, मतलब मार ये और छुट गई, क्योंकि क्या होता है हमारी ग्रिप नहीं रहती, एक तो हम ग्लव्स पहने रहते हैं, ऊपर से हम गलत पोजीशन में पकड़ रहे हैं, ये हमारा बहुत ही गलत है, इसमें पकड़ना बहुत गलत है, इसमें ये ठीक है, बट अगर इतनी देर में प्लेयर ने छुड़वा लिया तो कोई फायदा नहीं है। तो हमें पकड़ना कैसे है, सबसे पहले मोस्ट इम्पोर्टेंट है हमारी ग्रिप कैसे होनी चाहिए, ग्रिप हो जाएगी तो पार्टनर गिर ही जाएगा, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है ग्रिप। देखो हमें क्या करना है, ये पकड़ना है, ये जो ज्वाइंट है ना ये पकड़ना है, उसके बाद तो आप देखो यहाँ क्रॉस क्रॉस हैंड, ये पकड़ लिया, ऊपर करना है और फेंक देना है, दोबारा देखो क्या करना है, आगे जाके पकड़ना है और यहीं की यहीं दबा देना है, ऊपर उठाना है, और जो ये दूसरा वाला हाथ है ये गर्दन पे दबा देना है ऐसे, बस देखो दोबारा देखो, ये है ये, ठीक है। चलो दोनों करो, देखो ध्यान से कैसे करना है, ना 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 ज्वाइंट से पकड़ो बेटा, ज्वाइंट से आगे बढ़ के, एक स्टेप आगे बढ़ के ज्वाइंट से पकड़, गुड, ज्वाइंट से उठा और वहीं के वहीं दबा दे, दूसरा पैर आगे आ जाएगा ना, चल वेरी गुड। ये आप लोगों जैसे ही प्लेयर हैं, देखो बिल्कुल नए प्लेयर हैं, बिल्कुल ही नए प्लेयर हैं, स्टेट लेवल प्लेयर हैं, और दोनों ही अच्छा कर रहे हैं, आज फर्स्ट टाइम है इनका मेरे साथ, क्योंकि हॉस्टल खुला नहीं है अभी तक, ये हमारे NCOE ईटानगर के बच्चे हैं, दोनों ही नए हैं, जूनियर लेवल पे हैं और अच्छा कर रहे हैं, वेरी गुड। चलो आगे बढ़ के पकड़, हाँ वेरी गुड, यही पकड़ना है और दबा देना है गर्दन से, चलो आप लोग भी करके दिखाओ, चलो चलो वेरी गुड, बंगाल कोट अच्छा कर रहे हो आप, कर्नाटका से गुड, अच्छे से करो, हाँ गर्दन पे थोड़ा सा
हाँ ऊपर खींचना है लेग को. गुड वेरी गुड. वन बाय वन बहुत अच्छा. चलो करते रहो. नहीं नहीं छोड़ना नहीं है. कर्नाटका से सहाना. चलो अच्छा कर रहे हो आप. वेरी गुड. हाँ हाँ करो करो कोई बात नहीं. अच्छा कर रहे हो. चलो हाँ पकड़ो और डाउन. नहीं नहीं लेफ्ट राइट वाला लेग आगे मत लेके जाओ. यहीं से डाउन करो. गलत कर रहे हो सहाना. गलत कर रहे हो आप. ठीक से देखो. चलो दिखाओ एक बार करो. वेरी गुड. ऐसे ही आप लोगों को करना है. ठीक है बहुत बढ़िया. चलो चलो अब हम दूसरी टेक्निक करेंगे. ठीक है ये आपकी क्लियर हो गई जो हैंड वाली थी. अब हम क्या करेंगे. बहुत बार क्या होता है दोनों प्लेयर की एक पोजीशन आ जाती है. साउथ मेरा लेफ्ट से है इसका राइट से है. ठीक है ये क्या करेगा. खेल रहे हैं खेल रहे हैं. ये मुझे चेस्ट किक मारने की कोशिश करेगा. जैसे कि दो पॉइंट होते हैं चेस्ट किक के तो हमें उसे रोकना कैसे है ये देख लो. पहले ये रोकना है. देखो इस तरफ से दिखाती हूँ. इधर देखो कैसे रोकना है. ये रोकना है. ठीक है ये हाथ यहाँ है ये रहता है. ठीक है बस ये आ गया. हमारा पॉइंट भी नहीं कटेगा और यहाँ पे ब्लॉक भी हो गया. ये नहीं है कि आप ऐसे स्लोली रोकोगे तो ये हाथ टूट टूट भी सकता है. स्लोली नहीं इसको टाइट रखना. जैसे फाइट के टाइम पे टाइट रहता है ना वैसे ही टाइट रखना है इसको. और इस पर ध्यान देना. देखो ये आ गया. ठीक है इस पे हमें या तो हम ये भी कर सकते हैं. नीचे डाउन देखो कैसे डाउन करना है. बस ये आ गया. यहीं की यहीं ये है ये डाउन. ठीक है यहाँ से ये उठाना पैर उठाना है. गर्दन नीचे झुकानी है और ऐसे डाउन. दोबारा से देखो ये है ये आ गया. ठीक है तो आप करके दिखाओ. बहुत सिंपल है. बहुत बार क्या होता है यही खेलते रहते हैं. मार ये आ गया ये आ गया. बहुत सिंपल है. सिंपल एक्सरसाइज है. बहुत ही मोस्टली बहुत से लोग करते हैं बट सही तरीका नहीं पता होता कि करना कैसे है. पकड़ लेते हैं यहाँ पकड़ भी लेते हैं बहुत बार देखा है बट उनको ये नहीं पता रहता कि हमें उस मोमेंट में करना कैसे है. देखिए नहीं 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 इसका ये आएगा राम. अगर तूने साउथ से मारा है ना इधर आ राहुल. जैसे किसी ने पीछे से मारी यही मार राइट से. हाँ ये पकड़ा सेम पोजिशन है. यही सेम ये पकड़ा और ये. ठीक है ऐसे पकड़ना ये है ये पकड़ना है. अगर इसका मारेगा तो ये है ये पकड़ना है. दोनों पैरों का यही है सेम. गुड पूरा आगे चढ़ जाना है पूरा पकड़ के. हाँ वेरी गुड. ऊपर उठाएगा तो अपने आप गिर जाएगा. चलो बहुत अच्छा. चलो अब आप लोग करके दिखाओ. चलो गयांबर ईटानगर से बेहतरीन बहुत बढ़िया. हाँ चलो चलो बहुत अच्छा है. हाँ पहले पकड़ना है उसके बाद में डाउन मारना है. गयांबर बहुत बढ़िया. वेरी गुड. ईटानगर के बच्चे हैं काफी मेहनती है. अच्छा कर भी लेंगे. मनीषा खत्री बहुत बढ़िया भाई. चलो हाँ मेहनती पहले पकड़ो. हाँ
गर्दन पे पकड़ना है, देन गुड, चलो चलो चलो, बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा कर रहे हो आप लोग। कार्तिक थोड़ा अच्छे से करो, ऐसे मत फेंको, आगे पकड़ो, ठीक से पकड़ो और फिर आगे जाओ। हाँ गुड, वेरी गुड, झारखंड से, चोट मत मरा लेना, आराम से अप्लाई करो खड़े खड़े। हाँ गुड, गिराना नहीं, बहुत बढ़िया। शुभम झारखंड से, रामगढ़, बढ़िया कर रहे हो भाई, बिल्कुल अच्छे से करो, प्रॉपरली आगे जाओ, डाउन, बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा, अब हम एक, यस बगलकोट कर्नाटका, बढ़िया। चलो अब हम एक और एक्सरसाइज करते हैं। मोस्टली क्या होता है कि फाइट करते करते क्लोज आ जाते हैं, जैसे कि हम लोग ऐसे क्लोज आ जाते हैं, ये पोजीशन रहती है दूसरे वाले की, ये रहती है, और मतलब दोनों पार्टनर की ये पोजीशन रहती है, और इसमें क्या करते हैं, दूसरा भी लटक जाता है, दूसरा भी लटक जाता है, कोई अप्लाई नहीं करता, रेफरी क्या करता है, छुड़वा देता है, फिर उसके बाद एक अटैक करता है, फिर क्लोज आ जाते हैं सेम पोजीशन। उसमें हमें करना क्या है, ये पैर देखो उसका खाली पड़ा है, हमारे हाथ भी तो खाली है, दोनों ही खाली है, क्योंकि वो मेरी ऊपर बॉडी पे है और मैं उसके नीचे हूँ, तो मुझे बहुत एडवांस है इसमें कि मुझे इसमें टेक्निक अप्लाई कर देना चाहिए। एक तो टेक्निक होती है ये पकड़ लिया, ठीक है, इसमें क्या होता है टाइट पकड़ना, ये बिल्कुल टाइट, और इसमें ये हमें क्या करना है, जो शोल्डर है ना वो इसके यहाँ थाई पे आना चाहिए और टाइट पकड़ के खींचना है, आप अपनी तरफ खींचना है, ये नहीं कि आप ढीला छोड़ो, ढीला नहीं, गैप नहीं होना चाहिए, हवा का भी गैप नहीं होना चाहिए, उसमें ग्रिप करनी है टाइट, बिल्कुल टाइट। जैसे ये आ गया, ये पोजिशन है, ठीक है, ध्यान से देखो, ये पोजीशन है, इसमें ये आ गए, ये पोजीशन आ गई, ये पैर पकड़ लिया, थोड़ा सा घूमे डाउन, ठीक है, एक बार फिर से देखो, बिल्कुल स्लो स्लो, क्या होता है बिल्कुल स्लो, ये आ गए, ये पकड़ा हमने, ये पकड़ के रखा है, ये हाथ पहले आएगा हमारा, ये हाथ आ गया, फिर ये हाथ आ गया, देखो कहाँ पे है, बिल्कुल क्लोज क्लोज हो जाना है, उसके बाद खींचना है अपनी तरफ, ये है, ये दोनों आगे खींचना है, चलो दोनों करो, वेरी गुड, नीचे, हाँ अब ये हाथ यहाँ से पकड़ दूसरा वाला, हाँ अब खींच अपनी तरफ, बहुत बढ़िया, देखो ये बिल्कुल नए बच्चे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, वेरी गुड, हाँ बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, आप लोग भी करो, बहुत अच्छा कर रहे हैं ईटानगर के बच्चे। हाँ पहले क्लोज आ जाओ, दोनों क्लोज आ जाओ, फिर मार, क्लोज आ गए फाइट करते करते, अब क्रॉस करा, वेरी गुड, चलो आप लोग करो, अब चलो भाई, संदीप पाटिल महाराष्ट्र, चलो, हाँ बहुत बढ़िया, यही घूमना है, पकड़ के घूम गए, गुड, चलो बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा कर रहे हैं संदीप, आकाश वूसु करनाल हरियाणा से, हाँ बहुत अच्छी पोजीशन है, बढ़िया कर रहा है भाई, चल, हाँ पहले क्लोज आ गए, हाँ क्रॉस, देन वेरी गुड, बहुत बढ़िया, हाँ बहुत अच्छा,
बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। एकता रोसा, झारखंड से। वेरी गुड। यस, ग्रीप देन, ग्रीप देन, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा कर रहे हो आप एकता। कंटिन्यू, बहुत बढ़िया। अभिजीत, आसाम। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलो, बहुत से ऐसे टैलेंटेड बच्चे हैं हमारे छोटे सब जूनियर जूनियर, कि उनकी फाइटें इतनी अच्छी होती है कि दिल खुश हो जाता है देख के, कि वाओ, दिल से निकलती है वाओ। है बहुत सारे बच्चे हैं मेरी नजर में, दो तीन बच्चे हैं जो जूनियर की मैंने अभी ट्रायल ली थी, उसमें मतलब बहुत अच्छा है। बस उनमें क्या होता है कि कॉन्फिडेंस की कमी है। कॉन्फिडेंस मीन्स आप बाहर, जैसे बाहर इंटरनेशनल जा रहे हो उसमें आपकी बहुत कमी है, कि आप इंडिया में तो बब्बर शेर की तरह खेलते हो, वहां आप गीदड़ बन जाते हो। क्यों? आप में हर कुछ है। मुझे जो उम्मीद थी किसी लड़के पे है, हरियाणा का, हमारा नाम क्या है उसका, विनय, विनय नाम है, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करता है, बहुत अच्छा है। और एक कर्नाटक से भी है, मुंडा, मुंडा बोलते हैं उसको, मुंडा, उसका परफॉर्मेंस, इन दोनों का मुझे जूनियर में बहुत अच्छा लगा। मुझे उम्मीद थी कि ये बाहर जाके गोल्ड लेके आएंगे, बट अनफॉर्चुनेटली वो क्या करते हैं कि वहां जाके डर जाते हैं, और मुझे नहीं लगता उनसे अच्छा एशिया में कोई होगा। आने वाले टाइम में वो वर्ल्ड चैंपियन भी बनेंगे, ऐसा नहीं है, अगर ध्यान दिया जाए तो। बहुत अच्छा करते हैं वो लोग, बट माइंड में क्या है, ओ माई गॉड, हम बाहर खेलने आए हैं और इंटरनेशनल खेल रहे हैं, ऐसा कभी नहीं सोचना। आप भी एक इंसान हो, वो भी एक इंसान है, दोनों प्रैक्टिस करके जाते हो। बस उसमें ये है कि जीदारी किसकी है, जीदारी आप लोगों की होनी चाहिए, और अगर आप विल पावर से खेलोगे तो आपको कोई नहीं हरा सकता। ठीक है, तो आप जितनी हो सके ना उतना ई पाठशाला से आप उतना ही ज्ञान लीजिए, क्योंकि हर कोई हमारे साथ तो आके प्रैक्टिस कर नहीं सकता, या हम किसी के पास जाके नहीं कर सकते, बट हम, ये एक प्लेटफॉर्म ऐसा है कि हम एक साथ जुड़ के प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आप इसमें ज्यादा से ज्यादा हिस्सा लो, और ज्यादा से ज्यादा क्या है, सिर्फ 1 घंटा ही तो है, 1 घंटा भी नहीं दे सकते आप 24 ओवर्स में। पढ़ाई भी होगी, हर काम अपनी जगह है, देखो पढ़ाई भी है, गेम भी है, गेम भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना पढ़ाई है, तो आप दोनों में चलोगे तो बेटर रहेगा। चलो आज एक लास्ट एक्सरसाइज और करते हैं हम लोग, एक लास्ट और करते हैं। कई बार ग्रिपिंग में ही, ये ऊपर ग्रिपिंग आ गई, यहाँ आ गई, ये रहता है ग्रिप में, ठीक है। तो हमें क्या करना है, ऐसे बहुत बहुत रियर चांस रहते हैं, ऐसे पड़े रहते हैं हम, ना वो कुछ कर पाता ना मैं, तो ये होता है, ये वाली पोजीशन हो जाती है, ठीक है। इसमें क्या करना है, ये आपका हाथ ऊपर है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। इसमें बहुत वेरिएशन है, एक तो ये वेरिएशन है, मुझे ये खींचना है और ये वाला, हाथ खींचना है और नीचे हाथ लगा देना है। अगर ये भी ना हो पाए तो जैसे ये है, ये पकड़ के रखा है, ठीक है, कुछ नहीं करना, हल्का सा सिर्फ साइड से निकलना है और नीचे पैर के नीचे मारना है। ये वाला जो पैर है ना, इसका आगे वाला पैर ध्यान रखना कौन सा है, कोई भी हो, ग्रिप टाइट, ये ग्रिप होनी चाहिए आपकी, देखो छुड़वाएगा छुटेगा नहीं, ये ग्रिप कितना भी छुड़वाओ छुटेगा नहीं, ठीक है, नहीं छुटेगा। इसमें गैप है हमारे बीच में, जैसे गैप है, देखो ये आगे ये गैप रहता है, इसमें ये ही रहना है, ये गैप, ठीक है, इसमें ये घूमना है, कौन सी पोजीशन आनी है ये, और इसमें क्या देखो, कौन सी क्या आएगी इसमें थ्रो, देखो ये है ये, ठीक है। इसमें बहुत ही, मतलब सिर्फ एक ही हाथ का काम है, दूसरे हाथ का काम नहीं है, इसमें दूसरा हाथ मैंने यूज ही नहीं किया, देखो ये आ गया हम लोग, ठीक है, ये हाथ मेरा बिल्कुल खाली है, पर ये मैंने ग्रिप पकड़ के रखा जोर से टाइट से, और मेरा ये एक ही पैर का काम है, इसका
ये इसके पैर के आगे से रखना है, ये कुछ नहीं करना, ठीक है। बहुत ही बहुत सबसे इजी है ये, बहुत इजी है। बस इसमें क्या है, समझना है, आपका ऊपर हाथ है तो पकड़ना है, उस हाथ से पकड़ के रन करके आपको बस स्लिप करना है। देखो कैसे करेंगे दोनों बच्चे, चलो ग्रिप टाइट कर, हाँ पूरा पूरा घूम, हाँ बहुत बढ़िया। देखो ये है टेक्निक, बहुत अच्छी टेक्निक है और बहुत ही प्यारी, बहुत जल्दी लगने वाली, क्योंकि कोई भी इंसान एक हाथ से अपना ब्लॉक नहीं कर पाएगा, लूज पड़ जाता है, क्योंकि हमने राइट हैंड तो उसका बांध लिया, कहाँ से ब्लॉक करेगा। राइट हैंड को टाइट पकड़ो, देखो ये पकड़ा, चल घूम जा, नहीं पूरा घूमना है, ये पकड़ लिया तो पूरा घूम के फिर मारनी है स्लिप, हाँ वेरी गुड, चलो पूरा घूम घूम रहे, हाँ बहुत बढ़िया। इधर आके करो, पास में आके करो, स्लो स्लो, देखो इनको ध्यान से कैसे करना है, पकड़ दोनों, क्लोज आ जाओ पहले, दोनों क्लोज, नहीं 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 पहले पोजीशन में क्लोज आओ, चलो क्लोज आ गए, ठीक है, हाथ टाइट, उसके बाद घूम, घूमने के टाइम पे उसको आगे वाले पैर से ही खींचना है। चलो आप लोग भी करके दिखाओ, ये भी कंटिन्यू करके दिखाएंगे, चलो आप लोग भी करके दिखाओ, हाँ पकड़ लिया, देन बहुत बढ़िया। अक्षिता दीक्षित राजस्थान से, बहुत बढ़िया, ग्रिप में आगे पकड़ लिया, हैंड टाइट, बहुत अच्छा। ये हमारे जो चीफ कोच है कुलदीप हांडू सर, उन्होंने कम से कम 5,000 बार सिखाया तब मुझे ये आई थी, ये एक्सरसाइज 5,000 बार, एक दिन में नहीं, हर दिन 5,000 करनी पड़ती थी, एक ही एक्सरसाइज में 1 घंटा लग जाता था परफेक्ट करने के लिए। जिस दिन परफेक्ट हो जाओगे ना, उस दिन आपकी ऑटोमेटिकली ये एक्सरसाइज निकलनी शुरू हो जाएगी। बहुत अच्छा कर रहे हो, चलो वेरी गुड, चलो करके दिखाओ दोनों, चलो चलो दोनों करो। विशाल कुमार बिहार से, चलो भाई करके दिखाओ, हाँ ग्रिप में आगे, नहीं 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 गलत कर रहे हो, हाथ तो पकड़ो ना, जिसको मारनी है पहले हाथ पकड़ो, हाथ पकड़ के फिर घूमना है, हाँ हाथ पकड़ के रॉन्ग साइड घूम रहे हो, दूसरी साइड घूमना है, चलो पकड़ो, गलत कर रहे हो, रेड टी शर्ट व्हाइट टी शर्ट, चलो अगेन, बहुत अच्छा, बट गलत कर रहे हो, देखो ध्यान से देखो कैसे करना है, एक बार करके दिखाओ स्लो स्लो, जैसे ग्रिप में आ गए, देखो ध्यान से देखो, रेड और व्हाइट टी शर्ट ध्यान से देखो, ग्रिप में आ गए, उसी हाथ से ऊपर वाले हाथ से ही पकड़ रहे हैं, और इस तरफ मुड़ना, आप क्रॉस मत करो, इसी तरफ मुड़ना, मुड़ ये आ गए, ऐसे करना है, चलो करके दिखाओ दोनों, ये हाथ पकड़ लिया, हाँ अरे अरे आप दोनों को ना कैसे करना है, इसको हाथ जो आपका लेफ्ट वाला हैंड है उसके राइट वाले हैंड को क्रॉस करो, राइट वाले को पकड़ो ऊपर से, हाँ ऊपर से पकड़ इसका राइट वाला, हाँ पकड़ ठीक से पकड़ो, ऐसे पूरा क्लोज जाके, व्हाइट टी शर्ट आप पकड़ो ऊपर से, इसका राइट हैंड पकड़ो, राइट हैंड पकड़ो ना, हाँ पकड़ लिया, अब जो आपका आगे वाला पैर है उसको उसके पीछे वाले पैर उधर ही जाओ, पीछे वाला जो ऐसे, नहीं नहीं दूसरे पैर से, हाँ दूसरे पैर से करो, हाँ उस तरफ घूमो, उस तरफ दूसरी तरफ घूमो, नहीं 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 देखो आपका क्या कंफ्यूजिंग है, देखो ये है, ये पकड़ के रखा है, ये हाथ पकड़ना है, आप ऐसे पकड़ के क्या कर रहे हो, ऐसे आ रहे हो, ऐसे नहीं जाना, ये है इसको
टाइट पकड़ना है, ये खड़े होते हैं हम, इसको ये टाइट पकड़ना है और यही वाला देखो, ये वाला पैर आ गया, यही वाला पैर मेरा आगे आएगा और स्लिप इस वाले से पकड़ना, ये मेरा राइट हैंड है, इसका राइट हैंड है, ठीक है, ये पकड़ लिया मैंने, उसके बाद में ये स्लिप, कुछ भी नहीं करना, चलो अगेन, हाँ बहुत बढ़िया, यही ग्रिप टाइट पकड़ो, ग्रिप टाइट होनी चाहिए, हाँ टाइट से, वेरी गुड, बढ़िया, इसकी प्रॉपर करना आपको, बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, बहुत बढ़िया, आराम से ध्यान से, ठीक है, यस, बस थोड़ा सा और मॉडिफाई हो जाएगा तो ठीक हो जाएगी, वैसे ठीक है ऑलमोस्ट, वेरी गुड। अब हम करेंगे, अब हमारे पास सिर्फ 5 मिनट रह गए हैं, तो अब हम कूलिंग डाउन करेंगे, इसी पे आज यहीं पे समाप्त होती है, जो जितनी भी 5-6 मैंने टेक्निक बताई है आप लोगों को, इस पे थोड़ा सा ध्यान देना, क्योंकि मोस्टली हमारे साथ यही होता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा, आप 1000 सीख लो और आप 2 परफेक्ट कर लो, बराबर है, आपकी 2 परफेक्ट करोगे वो लगेगी, आपकी 1000 काम नहीं आएगी, तो आप कोई भी दो, आपकी जो भी फेवरेट हो, आपकी कोई भी दो, उनको आप उस पर मेहनत करो, चाहे 1,00,000 बार क्यों ना करनी पड़े, जरूरी है मेहनत करना, बहुत जरूरी है, ऐसे ही मेडल नहीं मिलता, ऐसे ही कामयाबी नहीं मिलती, बहुत ज्यादा जरूरी है, मुझे भी 18-19 साल हो गए खेलते, अब जाके कामयाबी मिली है, तो देखो मेहनत का फल बोलते हैं ना मीठा होता है, तो मेहनत का फल मीठा ही होता है, सब्र करो सब कुछ मिलेगा, हर किसी को मिलेगा, बस सबसे मेन इम्पोर्टेंट है मेहनत। अब हम थोड़ा सा कूलिंग डाउन कर लेते हैं, फर्स्ट लेग स्ट्रेचिंग, चलो होल्ड, ये नहीं करना, सिर्फ होल्ड करना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, लेफ्ट लेग, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, चेंज, 1, 2, 3, 4, 5, 6, चेंज साइड, 1, 2, 3, 4, 5, 6, चेंज साइड सेटिंग, 1, 2, 3, 4, 5, 6, चेंज, 1, 2, 3, 4, 5, 6, साइड, 1, 2, 3, 4, 5, चेंज, 1, 2, 3, 4, 5, चेंज, 1, 2, 3, 4, 5, चेंज, 1, 2, 3, 4, 5, चेंज स्लोली, 1, 2, 3, 4, 5, बैक साइड, 1, 2, 3, 4, 5, स्लोली बैक, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, नेग अप स्लो, अप डाउन साइड 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 साइड, हाफ रोटेशन फ्रंट स्लोली, 1, 2, 3, 4, 5, 6, बैक साइड, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है,
अब हैंड अप, हिल अप, साइड 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 साइड, आगे पीछे, डाउन, चेंज चेंज, ओके। आज हमारी क्लास का भी लगभग टाइम हो गया है फिनिश, एंड बस ज़्यादा नहीं है। सबसे मेन इम्पोर्टेंट हमारा क्या होता है, देखो एक बात बताती हूँ। अच्छा तुम दोनों भी बैठ जाओ, आ जाओ यहाँ जाओ। ये हमारे दोनों न्यू बच्चे हैं और काफ़ी अच्छा किया इन्होंने, फर्स्ट टाइम मेरे साथ क्लास की है, मैंने ही सिलेक्शन किया था इनका ईटानगर में, और आई होप कि ये अच्छा करेंगे मेरे अंडर में। बाकी जो हमने अपने गुरु से सीखा है, देखो हम चाहे कितना भी बेटर कर ले पर हम उनसे ऊपर नहीं हो सकते, हमेशा अपना गुरु चाहे कैसा भी हो, कितना मारता हो, उस मार में भी आप एक चीज सोचो कि क्या पता हमें उस मार में भी फायदा हो, क्या पता हमें उसमें मतलब हर चीज में ना फायदा होता है प्लेयर को, चाहे कोच मारे या डांटे या उसको कुछ भी बोले, तो कोच को कभी भी बुरा मत मानो, हमेशा ना आंखें झुका के। मैं मेरी भी बहुत सारी गलतियां होती थी, ऐसा नहीं है कि मैं डायरेक्टली वर्ल्ड चैंपियन बन गई अर्जुन अवार्डी, इन चीजों में बहुत बार कोचों के साथ लड़ाई भी हो जाती थी, झगड़े भी हो जाते थे, पर क्या होता था मैं रो लेती थी, ये नहीं कि मैं उनको उल्टा बोलूं या पीछे से उल्टा बोलती हूं, नहीं, क्योंकि ये बहुत गंदी आदत होती है, पीठ पीछे कुछ, फेस पे कुछ, ऐसा कभी मत करो। गद्दारी हर किसी के साथ करो बट अपने गेम के साथ, अपने गुरु के साथ। एक बाप होता है जो तुम्हें, बाप होता है जो तुम्हारा रियल होता है, एक बाप दूसरा होता है जो हमारा गुरु होता है, वो हमें कभी भी गलत नहीं सिखाएगा, वो आपको हमेशा एक अच्छी रास्ते पे लेके जाएगा। एक गुरु का एक शिष्य से, एक माँ बाप से भी बढ़कर एक रिश्ता होता है। और मेरे जो भी कोच है, मेरे जितने भी कोच है, मैं उनकी ये लगा लो पैरों की धूल भी नहीं हूँ, वो धूल के बराबर हूँ, चाहे मैं आज कितनी भी ऊंचाई पे हूँ, आपके सामने एक एग्जाम्पल भी हूँ मैं। बहुत सारी लड़कियां हैं कि मेरे जैसा बनना चाहती है, मेरे जैसा जब बनोगे, जब आप अपनी कोच की रिस्पेक्ट करोगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है कि आपके कोच ने जो बोल दिया वो करना है, चाहे उस रास्ते पे कुछ भी हो, पहाड़ हो या गहराई हो या फिर पानी हो या खाई हो, कुछ भी हो, कूद जाना है उसमें, क्योंकि कोच कभी भी बुरा नहीं चाहेगा। जो गुरु होता है ना, गुरु का दर्जा बहुत ऊंचा माना गया हमारे प्रातकाल में भी, और जो हमारी पास्ट रहा है सब में, हर किसी में। तो अपने कोच का कभी भी किसी को बुरा नहीं मानना, जो बोल दिया निकल जाना है, ये मत सोचो कि ओ माय गॉड मेरी फाइट आने वाली है अब मैं क्या करूं, डिस्टर्ब नहीं होना है, एक अच्छा म्यूजिक सुनो, कॉन्सेंट्रेशन करो, फाइट के बारे में सोचो, 2 मिनट का कॉन्सेंट्रेशन और आपका वो बहुत अच्छा बेटर रिजल्ट देगा फाइट से पहले। क्योंकि जो मेरा अनुभव है, जो मेरा और मेरे गुरु का, मेरे कोचों का अनुभव है, वो मैं आपसे शेयर करना चाह रही थी, और वही मैं आपसे बता रही हूँ कि मैंने हमेशा, बहुत बार मेरे साथ ऐसा होता था कि ओवर हो जाती थी, प्रैक्टिस नहीं कर पाती थी, बट क्या होता था करना पड़ता था, चाहे जो भी हो जाए मुझे हार नहीं माननी। अगर मैंने एक दिन रेस्ट किया, जो मेरे वेट के पार्टनर है, एक दो तो आते नहीं है नेशनल में, 15-20-25 जितने भी आते हैं वो हर दिन मेहनत करते हैं, अगर मैंने एक दिन भी रेस्ट किया तो यानी कि मैं 3 दिन पीछे चली गई उनसे, 3 दिन पीछे, उसने उस दिन मेहनत की है ना, वो मेहनत कर रहा और मैं नहीं कर रही हूँ, तो फल किसको मिलेगा भाई, उसी को तो मिलेगा। तो मैं यही सोच के मेहनत करती थी, अगर मैंने एक दिन मेहनत नहीं की तो मैं नेक्स्ट डे उससे अच्छा परफॉर्मेंस करूँ और मैं और कुछ अच्छा सीखने की कोशिश करूँ। ये नहीं है कि आप रूम में बैठे हो आज मैंने रेस्ट कर लिया, नहीं, आपको खुद से कुछ पाना है। देखो कोच आपको मेडल लाके नहीं देगा, कोच आपको एक रास्ते पे चलाएगा, उसी रास्ते पे आपको चलना है सिर्फ, और आपको मेहनत करनी है। ई पाठशाला में हमारे प्रेम सर हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, मैं उनकी बहुत हिम्मत मान रही हूँ कि वो रेगुलर इस पाठशाला को आगे बढ़ा रहे हैं रिस्पेक्टली, और सबकी रिस्पेक्ट भी कर रहे हैं, वुशु फैमिली की, वुशु कोचेज की, और हमारे आरसी सर इम्फाल की, सबकी काफी, मैं हर सीजन को अटेंड करती हूँ, काफी अच्छा रिस्पॉन्स रहता है। कुछ बच्चे हैं कि जिनका अभी ऑनलाइन
पढ़ाई चल रही है, मैं समझती हूँ, बट उनसे भी आप एडजस्ट करके आप टाइम निकाल सकते हो। सिर्फ एक घंटा ही तो है आपके लिए, जितनी इम्पोर्टेंट आपकी पढ़ाई है, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उतना उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट हमारा गेम है, उससे हम फिट भी रहते हैं और हम बीमार भी नहीं होते। और काफी हमारी जो, जैसे मुझे पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं था तो मैं गेम में आगे आ गई, तो फॉर एग्जाम्पल आपके सामने बहुत सारे ऐसे हैं, हमारे 4 अवार्ड ही हो गए हैं आप में से ही, इसमें हमें उम्मीद है कि आप में से ही नेक्स्ट अवार्ड ही होगा। तो आप लोग मेहनत कीजिए और वक्त बर्बाद मत करो, डेली अटेंड करो जब तक ये सीजन चल रहा है, आपके लिए बहुत अच्छा है। कि ये सोचो कि इंडिया कैंप की ट्रेनिंग हो रही है आपकी, इंडिया लेवल की, तो इसको ज्यादा से ज्यादा अटेंड करो। और मैं अब हैंड ओवर करना चाहूंगी हमारे प्रेम सर को, जय हिंद जय भारत, 15 अगस्त की बहुत बहुत बधाई हो। सो मच पूजा, बहुत अच्छा सेशन रहा और आपने बहुत बखूबी से थ्रोइंग टेक्निक्स और सांदा के बहुत लाभदायक टेक्निक्स बताए। इसके लिए मैं भारतीय वुशु संघ और भारतीय खेल प्राधिकरण के तरफ से आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। आप बहुत अच्छे खिलाड़ी रह चुके हैं और आप इंडिया का लोन ऐसा एकमात्र वर्ल्ड चैंपियन है लड़की वर्ग में, तो इसके लिए भी हमको आपके ऊपर नाज है। हम उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि साई एनसीयूई ईटानगर पे आप एज ए कोच बहुत अच्छा काम करेंगे और जिस तरह आपने एज ए प्लेयर भारत का नाम रोशन किया है, उसी तरह एज ए कोच आप बहुत अच्छे अच्छे खिलाड़ी लोग को भी निकाल करके बाद में भारत का नाम जरूर रोशन करेगा, ये है हमारा आशा है आपके ऊपर। तो थैंक यू सो मच वंस अगेन मिस पूजा, थैंक यू सर, वर्ल्ड चैंपियन एंड अर्जुन अवार्डी। एंड नाउ आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट our respected chief coach of the Indian national wushu team and program director of the e pachhala, our respected sir Shri Kuldeep Handu ji, to deliver a few speeches regarding the tomorrow is independence day, the 15 august, is avsar par hum handu sir ko guzarish karte hain ki sabke samne aaye aur ek do shabd bole aaj ke class ke bare mein aur इंडिपेंडेंस डे के बारे में। वेलकम हंदू सर। थैंक यू प्रेम, वेल डन पूजा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा सेशन रहा, वेल डन, बहुत अच्छे आपने वो साथ बच्चों को बता रहे हो कि कैसे कैसे टेक्निक है, कैसे इज्जत करनी चाहिए कोचेस की, कैसे जो आपके सीनियर है उनकी कैसे रेस्पेक्ट करनी चाहिए। और जो आपने एक अच्छा पार्ट बोला आपने, मुझे अच्छा बहुत लगा वो, कि आप कितने भी वेरिएशन सीख लो, ये थोड़ा सा नोट सारे कर देना, पूजा ने एक बहुत बड़ी पूजा एक वर्ल्ड चैंपियन है, तो कितनी भी वेरिएशन सीख लो बट कोई मतलब हार्डली 8 या 10 वेरिएशन आपके काम करती है। तो जो आपके जो बेस्ट 8-10 आप 15-20-40 भी वेरिएशन सीखो, बट जो आपने परफेक्ट 8-10 वेरिएशन बना दो, उस पर दिन रात मेहनत करो, उसको पूरा मेडिटेशन करो, पूरा उसको रीड करो, मैंने क्या क्या इसको करना, कैसे मैंने फास्ट करना, इसको कैसे इसको एग्जीक्यूट करना, जो भी वेरिएशन हो, वो थ्रोइंग में हो, वो किकिंग में हो, वो पंचिंग में हो, कैसे उसको एग्जीक्यूट करना, 8-10 वेरिएशन अगर आपके परफेक्ट हो जाए और आप रीडिंग जो आपका मेन फोकस होना चाहिए, आपका फोकस प्लेयर पे अपोनेंट पे होना चाहिए कि वो गेम क्या कह रहा है, तो मैंने इसको कैसे खिलाना है, इसको पहले खिलाना है ना कि उसके तहत खेलना है। एक प्लेयर का एक इम्पोर्टेंट है जो इसको साइकोलॉजिकली स्ट्रांग होना चाहिए, दैट मीन्स कि जब वो खेलता है तो वो पूरा रीड करना चाहिए कि मेरा अपोनेंट क्या गेम खेल रहा है, उसको मैं कैसे गेम खिलाऊं, ना कि उसके तहत आप खेलो। आपकी गेम ऐसी होनी चाहिए कि वो आप पे गेम, आपने उसको गेम खिलाना है, तभी आप जीत जाओगे। और अच्छी बात बोली पूजा ने कि आप पर 8-10 चीज में आप बेस्ट हो तो आपको कोई नहीं हरा सकता, और मेंटली स्ट्रांग हो आप, साइकोलॉजिकली स्ट्रांग हो, जैसे आपने उसने बोला कि आप जब आपको एग्जॉस्ट होता है, थकान होती है, फिटीग होती है, तो एक अच्छा म्यूजिक सुनो, योगा करो, मेडिटेशन करो, तो बेस्ट रेमेडी है उस चीज से ओवरकम करने के लिए, जो आपको फिटीग आ जाती है, थकान हो जाती है, कोई चीज मन करने का नहीं करता, तो उस टाइम बेस्ट है कि आप आइसोलेटेड में बैठ जाओ, एक अच्छा सा सॉफ्ट सा गाना सुनो, म्यूजिक सुनो, जो आपकी चॉइस हो वो सुनो, तो आपकी लेवल जो है परफॉर्मेंस अच्छी हो जाती है। बाकी तो आपको सारा सा बात पर बता रहे हैं, बहुत अच्छा से पूजा ने क्लास ले ली, होप दैट शी विल कंटिन्यू इन फ्यूचर एज वेल। अच्छा हॉल भी है वहां पर, तो ईटानगर में, ईटानगर अब वन ऑफ द बेस्ट सेंटर बन जाएगा आने वाले समय में, क्योंकि ये फर्स्ट एनसीयू है, नेशनल सेंटर ऑफ एक्सलेंस अप्रूव हो गया है जो मिनिस्ट्री ने कर दिया है, तो ये अच्छा सेंटर बनेगा, और ऑलरेडी वहां पर बेस्ट कोचेस भी हैं,
पूजा वहां पर कोचिंग दे रही है, प्रदीप दे रहे हैं कोचेस, और एक दो कोचेस वहां पर और आ जाएंगे, तो जिससे सेंटर बहुत अच्छा बन जाएगा। सेकंडली, कल सबको मेरी तरफ से हैप्पी इंडिपेंडेंस और इंडिपेंडेंस की मुबारक है सबको। और कल बेसिकली मणिपुर में लॉकडाउन रहता है, तो कल हम सारे ऑफ करेंगे और अब सेलिब्रेट करेंगे इंडिपेंडेंस डे। तो सबको मेरी तरफ से इंडिपेंडेंस डे की मुबारक है। सारे हैंड वेव करो जिनको मुबारक मिली है, सारे हैंड शेक करो, वेव करो। भारत माता की जय बोलो सारे। भारत माता की जय। 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 सारे इसमें हिस्सा ले लेंगे और नया सेशन जो होगा वो इंपॉर्टेंट सेशन होगा, उसमें अच्छे कोचेस आ जाएंगे और हर दिन ट्रेनिंग देंगे, दो चार नए फेसेस आ जाएंगे। और हम ट्राई कर रहे हैं कि जो वर्ल्ड में जो हमारे जो फॉरेन प्लेयर्स भी जो वर्ल्ड चैंपियन हैं या कोई अच्छे कोचेस हैं उनको भी हम इसमें इन्वॉल्व करेंगे। तो आपने ये सेशन मिस नहीं करना, क्योंकि हम इस टाइम बाहर नहीं जा सकते हैं, क्योंकि बाहर लॉकडाउन है और थोड़ा सा बाहर कोरोना वायरस का डर है। तो इसमें जो आप ऑनलाइन सीखते हो उसको घर में ही एग्जीक्यूट करो, घर में ही उससे मेहनत करो, मेडिटेशन करो, योगा करो, और जो जो घर में आप एक्सरसाइज कर सकते हो, जो 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 बेटर जिससे आपकी परफॉर्मेंस हो जाए फिटनेस के लिए, वो आप करो। तो जब आपका टाइम ठीक हो जाएगा आने वाले समय में, जल्दी 10 दिन 15 दिन महीने के बाद तो ठीक होगा सारा, तो उस टाइम फिर आप अपने प्लेयरों के साथ प्रैक्टिस करो और अपना देश का नाम रोशन करो। विद दिस हैप्पी इंडिपेंडेंस डे इन एडवांस अगेन, बहुत बहुत मुबारक सबको। कल हम हॉलीडे मनाएंगे और हर जगह सेलिब्रेट करेंगे, भारत का नाम रोशन करेंगे, और मंडे को फिर हम फिर मिल जाएंगे और नए सेशन के साथ और नए नए फेसेस के साथ नए नए टेक्निक्स सीखेंगे, क्योंकि हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव है दैट इज टू गेट द गोल्ड मेडल फॉर द कंट्री इन द ओलंपिक्स। अभी यूथ ओलंपिक गेम है, जो हमारे यूथ्स है उनको ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिली है कि वो पहले सीनियर से पहले वो देश का नाम रोशन करें ओलंपिक में, उनके लिए बड़ी एक अपॉर्चुनिटी है। तो वर्क हार्ड, स्ट्राइव हार्ड, मेहनत हार्ड बहुत ज्यादा करो, अपने देश का नाम रोशन करो और अपना माँ बाप का नाम रोशन करो और अपना स्टेट का भी नाम रोशन करो। भारत माता की जय। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू प्रेम। थैंक यू सो मच सर फॉर योर वैल्यूएबल एडवाइस एंड वैल्यूएबल गाइडेंस टुवर्ड्स आवर प्लेयर्स एंड कोचेस। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर दैट। तो सर इसके साथ आज का सेशन यही पे अंत करते हैं। जो हर हफ्ते का जो बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द वीक है वो एक्चुअली सैटरडे को अनाउंस किया जाता है, तो कमिंग मंडे को ये वीक का जो बेस्ट परफॉर्मर है उनके नाम मंडे को अनाउंस करेंगे, और कमिंग वीक का भी जो बेस्ट परफॉर्मर रहेगा वो सैटरडे को अनाउंस करेंगे। तो सिर्फ कल का बात है, जिस तरह हिंदू सर ने कल हॉलीडे अनाउंस कर दिया, मंडे को अनाउंस करेंगे जो बेस्ट परफॉर्मर ऑफ दिस वीक एंड बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द कमिंग वीक विल आल्सो बी अनाउंस इन द कमिंग सैटरडे। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू पूजा फॉर योर वेरी नाइस सेशन एंड थैंक यू वंस अगेन आवर रेस्पेक्टेड चिपकोस एंड प्रोग्राम डायरेक्टर कुलदीप हंदू सर। थैंक यू सर। बाय बाय। जय हिंद। मंडे को फिर मिलते हैं सर। बाय बाय एवरीवन।